फ्रेंड्स, आप आपके परिवार कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का भी 8:30 बज रहा, मेरा रोज का काम खत्म हो गया। सुबह से जल्दी थोड़ा उठे थे, जल्दी जागते हैं रोज। सब काम खत्म करके नहा धो करके पूजा करें। मेरे तरफ से आप सबको हैप्पी रथ यात्रा। अभी पूजा करने के लिए तैयारी कर सब भगवान को ये नहला उला करके सब फूल सब सजा दिए हैं। अभी जगन्नाथ जी को करेंगे। सोमा का तो तबीयत ठीक नहीं है, तभी भी उठ के थोड़ा धोया पोछा सब कर, मतलब घर और पोछा झाड़ू ये सब कर रही है, क्योंकि हम पूजा करेंगे इसीलिए वो ना कर दे रही है। पानी में अभी गंगा जल मिलाएंगे। मेरा पास तो ऑलरेडी गंगा जल कलकत्ता का ही है, खरीदा हुआ मिलता ही है। पता नहीं खरीदा हुआ गंगा जल है कि क्या जल है, समझ में नहीं आता, लेकिन वहाँ से लाने से वो ठीक गंगा जल। कंपनी का काम में कुछ गए थे तो आज हो गया। 2-3 साल पहले से एक बोतल ला दिए थे, बड़ा बोतल, तो इसमें पूजा में काम चलता है। सुमा रहता थोड़ा पकड़ देता, बाथरूम गई है शायद। हम भगवान को नहला रहे हैं। ओम जगन्नाथ देवाय नमो, बलराम नमो, सुभद्राय नमो, जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय सुभद्राय नमो। मॉर्निंग एवरीवन, मेरे तरफ से आप सबको हैप्पी रथ यात्रा। मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा, मैं गला दवाई ले रहा तब पर भी पता नहीं दर्द बहुत दे रहा है। जब दवाई खा रहा थोड़ा देर के लिए ठीक हो रहा है, फिर वही दर्द दे रहा है। मम्मी आज बहुत लेट से जागे थे, आज हम 7 बजे जागे थे तो लेट हो गया थोड़ा। हम घर और सब पोछा पोछी कर लिए, मम्मी पूजा कर रही है, भैया फल वल ला दिया है, जगन्नाथ जी का पूजा है। मार्केट से फूल आज नहीं आया ना, अरे बहुत रेट हो गए फूल में, बेटा थोड़ा लेट में गया नहा धो के। भैया बस फ्रूट ला दिया है, आम, अनार, सेब, केला है नीचे, इधर क्या है, संतरा। एक बार नाम भी भूल जाने, बहुत ला दिया पूजा में, हमारा इतना क्यों लाया है ना, भगवान नहीं खाएंगे। चलिए हमें जितना भगवान को चढ़ाना है लिए हैं, आप बाकी रख दिए हैं किचन में। ये मूर्ति हम लाए थे जब पूरी गए थे, मम्मी के साथ नहीं, मासी लोग के साथ गए थे जब लाए थे। और एक वो है ऊपर में, तो उस बैठ नहीं सकते ना, वो राउंड टाइप का है, इसीलिए मम्मी उसको नहीं लाई। एक ही बात है, मम्मी फूल से सजा लिया और मेरा आवाज़ नहीं समझ में आ रहा, तो सारी है क्या करें, ऐसे ही बात करना पड़ रहा है मेरे को। मम्मी काम करने रहा उतना बात करने नहीं सकती है। सब भगवान को फूल चढ़ चुका है, प्रसादी फ्लावर सजा दिए, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, येलो, वाइट, ब्लू। इधर प्रसादी मम्मी चढ़ा चुकी है, अब अगरबत्ती और दिया दिखाएगी मम्मी। मम्मी दीप अगरबत्ती धुना सब दिखा दी है, बस अब शंख बजाएगी तो बहुत प्यारा लग रहा है। हम नहाए नहीं है लेकिन
इतना जल्दी नहाएंगे तो और गला वाला फूल जाएगा, मेरा वैसे ही फूला हुआ है। बहुत प्यारे लग रहे जगन्नाथ जी। घर में ऐसे ही पूजा करते हैं, हम लोग का बगल में भी यहाँ होता है, लेकिन घर में पूजा करते जा नहीं सकते हैं, बहुत भीड़ होता है, इसीलिए नहीं जाए। घर में ही पूजा कर लिए हैं, शाम को देखते हैं हो सकता तो देखते हैं, क्योंकि बारिश उरिश होता है और कुछ कारण से भी सोमा का तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए जा पाएंगे कि कोई ठीक नहीं है, घर में पूजा कर लिए, घर में ही हमको हमेशा पूजा कर लेते हैं। पूजा कम्प्लीट हो चुका है, जा रहे थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे, धुना से थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए ज़्यादा यहाँ पे नहीं रह रहा। पूजा कंप्लीट, और एक बार दर्शन कर लीजिए। मैं साड़ी उड़ी खोल दी है क्योंकि किचन में रहने से अब बहुत गर्मी भी है, साड़ी नहीं पहन के कर पाते हैं कुछ, इसीलिए खोल दिए। फिर नहाएंगे, माता का धो के सोनाएंगे, फिर नहाएंगे, खाना उना बनाना खिचखिची हो जाता है ना पसीना से, वो खाएगा तोता खाएगा, उनको पैसा नहीं होगा। सोमा को भी ब्रेड चाय देंगे, दावा खाएंगे, बिस्किट आधा बिस्किट खाए, मतलब खाओ रे अच्छा से बिस्किट, नहीं तो ये तोता को दो, अरे ये तोता को सिर्फ प्यास लग रहा, खाने ही मन नहीं कर रहा। आज सिंपल खाना बनेगा, खाना नहीं बनाते हैं, पूरी और खीर उर बनाते हैं, खीर नहीं बनाएंगे, बेटा भी नहीं खाएगा, बेटी का गला दर्द है वो भी नहीं खाएगी, अब पूरी बेटा नहीं खाएगा, रोटी खाएगा, इसलिए कुछ नहीं, सिंपल दाल प्याज लहसुन कुछ नहीं, आमला का चटनी बनाएंगे, केला फ्राई और लौकी का सब्जी और कुछ नहीं। चावल बनाते, सोमा नहीं खाएगी, बोलेगी बेटा बोलेगा आम है उसी में वो सबका हो जाएगा, और कुछ नहीं बनाएंगे। ब्रेकफास्ट के हैं, ब्रेड ला दिया था भैया, ब्रेड खाए, चाय थोड़ा देंगे, देखे खाया तीन गो से ब्रेड खाया, अपेल थोड़ा सा खाया और चाय ब्रेड खाया, हम भी वही करें, चाय और अपेल ब्रेड बस, और किसी को भूख लगेगा तो मूढ़ी मिक्सचर उक्सर खा सकते हैं। हम अभी जा रहे हैं लंच का तैयारी करेंगे, 9 पार हो गया ना सोमा, 10 बजे नहीं जा रहा था पता नहीं, 9:28 9:30 बज रहा, 9:28 मतलब 9:30 ठीक। ये लोग भी ब्रेकफास्ट कर लिया है, उसको ढक दिए, बड़ी बना से मैं तबीयत ठीक नहीं, कौन सुनेगा उसका बात। पापा ब्लीचिंग पाउडर दे के गए, पूरा एक जगह गिरा के गए, पापा ब्लीचिंग पाउडर दे रहे थे पूरा एक जगह ही ज़्यादा गिरा के चले गए, थोड़ा था पूरा। अभी बारिश का दिन है तो कीड़ा मकोड़ा निकल रहा, अभी अगर निकला था क्या बोलते उसको, हम लोग तो इंजन ही बोलते ना वहाँ, अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसको, बंगाली में इंजन ही बोला जाता, हाँ चमकता, वो भी गिर चिपकली जैसे ही है ना, चमकता रहता है उसका शरीर, उसको मारने से बोलता आँख में आ जाता है शरीर से भी, अभी झाड़ू लग गया मेरा उसका बॉडी में, हम नहीं देखे तो भाई बोल, हम बोला गला भी दर्द फिर आँख भी फूलेगा, पता नहीं उसको सर यहीं कहीं छुप गया है, और हम सब जगह पोछे लेकिन यहाँ का एरिया ठोक फिनाइल दिए लेकिन पोछना हम भूल गए, अब नहाने नहाए नहीं नहाए उसका पहले पोछेंगे जब झाड़ू करेंगे दोबारा। बाहर का भी ऐसा हाल है, मम्मी ठीक करे, मम्मी ठीक करिएगा ना बाद में, ठीक करिएगा बाद में, बाहर सब आज थोड़ा बीच ठीक हो जाएगा, हाँ तो सवेरे कल नहीं अभी निकलेंगे, अभी 12 बज रहा, देखिए कितना धूप खिला है, धूप के साथ साथ बादल भी गरज रहेगा। लंच हो गया हम लोग का सबका, डॉगी लोग का भी, पातू का भी, मम्मी बाहर वाला डॉगी लोग को देने गई है,
हवा चल रहा था तो हम यहाँ पे यहीं पे बैठे हुए थे। नहीं नहीं आज बिल्कुल नहीं नहीं, मम्मी अभी खाना दे के आ रही है। बाहर वाला लोग लड़ने लगा, ये भी चल गया, अभी साफ सफाई किए थे फिर गंदा कर दिया ये लोग। लंच कर लिया जल्दी से, उसका माँ खाया, दो ठो छोटा बच्चा खाया, लंबुआ खाया, लेकिन उसका लिए नहीं हुआ, दे दिए सब। अभी का बर्तन मम्मी साफ की सब बर्तन, हम नहीं धोए हैं, हम आज नहाए भी नहीं हैं। कल तो कल भी नहीं नहाए तो कल पैर हाथ धोने जो भी नहीं धोने मन कर रहा। इसको देखिए ना, पैर टूटा लेकिन सुधरता नहीं है, पता नहीं पावर कटा हुआ। आज भी शाम को तो कटता ही है, अभी पता नहीं किस लिए कटा है। हम जा रहे थोड़े लेटेंगे, अंधेरा हो रहा है धूप आ रहा, अंधेरा हो रहा धूप आ रहा, ऐसे ही हो रहा, फिर बाद में बारिश हो ही जाएगा। ए टप्पू आओ। सोमा का गला दर्द ठीक नहीं है, अभी शाम का 5:30 बज रहा है शायद, जा रहे हैं डॉक्टर के पास लेके। यहाँ का रथ यात्रा भी है, रथ यात्रा है, हो सकता है आप लोग को दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा वो आगे है डॉक्टर के पास। हम लोग जाएंगे इधर रोड का इधर, और ये रथ यात्रा उधर हो रहा, ठीक है, मतलब अपोजिट साइड, इसीलिए जा पाएंगे कि नहीं ठीक नहीं है। हम काम वाम जितना था ख़त्म कर लिया, शाम का काम, कपड़ा लत्ता जो धो के सुखाए थे वो सब उठा लिए। लंच भी आप लोग से शेयर नहीं किए, उतना खास कुछ नहीं बना था, दाल आलू चोखा और एक तो केला फ्राई आराम, यही सब था, इसीलिए लंच शेयर नहीं किए। ठीक है चलते हैं डॉक्टर के पास। सोमा को बोले थोड़ा बाल उल झाड़ो, पैसा भी कट रहे हैं। सोमा को डॉक्टर के पास ले गए थे, भीड़ है, आप लोग से शेयर नहीं किए, अभी दवा उवा लाए हैं। तो डॉगी भी आ गया हम लोग का साथ, वो घूमते रहता है, दवा लेके आ गए हैं। अभी रात का जो मेला है यहाँ पर पूरा भीड़ है रोड, देखिए कैसे उसके चल रही है। दवा और थोड़ा दे दिए हैं और बोले टाइम लगेगा। डॉक्टर के पास से दवा लेके आए, लेकिन रात यात्रा देखने नहीं गए हैं क्योंकि सोमा को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए घर आ गए थे। घर आते ही तो दवा डॉक्टर बोले थे एक तो दवा पानी में घोल करके खाने से तुरंत गला दर्द ठीक हो जाएगा, वो तुरंत खाई तो गला थोड़ा ठीक लग गया। फिर और थोड़ा देर बाद बैठे, वो रोटी बनाई, हम आलू पोस्तो बनाए, आम था और केला था, उसी में हम लोग का डिनर हो गया। आम डिनर नहीं किए, सोमा मूढ़ी डिनर की और उसका पापा रोटी खाए, बेटा भी रोटी खाए, हम नहीं खाए। हम अभी थोड़ा सा मूढ़ी खाएंगे, जा रहे हैं रात को, अभी 10:25 हो रहा, 10:25 हो रहा। हम लोग को यूट्यूब रात को भी जगाने के लिए सिखा दिए हैं, दिन में तो हम लोग जाते हैं खाना वाना खाते हैं, घूमते फिरते काम करते सब करते हैं, लेकिन रात को हम लोग बहुत पहले 2016 पहले 14-15 क्या पता उस टाइम ही यूट्यूब था, मेरे को पता नहीं। उस टाइम आदमी रात को 9 बजे के बाद सो जाता, जिसका काम था वही जगा रहता। अभी पूरा इंडिया, पूरा ऑल इंडिया, पूरा रात भर जगा रहता है, कोई 12 कोई 1 कोई 2 2.5, जिसका जितना सही एडिटिंग करना है करते रहते हैं। ठीक है, वो भी अच्छा बात है, यूट्यूब जगा दिए, सबका आँख खोल दिए। अभी जा बर्तन वर्तन साफ कर लिए हैं, डिनर करने के बाद हम जो करेंगे और बर्तन रख देंगे और सुबह धोएंगे। रथ यात्रा देख नहीं पाए सोमा का तबियत ठीक नहीं, कैसे जाएंगे। सोमा ड्रेस भी अच्छा नहीं पहनी थी, ऐसे ही डॉक्टर के पास ले गए, और ड्रेस को पहनने को अच्छा बोले तो गुस्सा जा रही, बोला अब हमेशा डॉक्टर के पास जब ले जाते डांटते रहते हैं, जो सो पहन के सोते रहते वही डॉक्टर के पास पहन के चले जाते, इसीलिए हम डांटे। एक बार उसका तबियत खराब था, हो गया 2-3 साल पहले, ले जा रहे थे, बुखार बहुत था, वहीं डांटे हम लोग, तुम ये वाला ड्रेस क्यों पहनो, वहीं से घूम के चला है, बुखार बढ़ गया, तो इसीलिए आज भी वो बोले कहें ड्रेस के लिए बोलते हैं। ठीक है, तबियत खराब होने से उसके बाद भी आदमी ड्रेस थोड़ा चेंज करता, बाल थोड़ा झड़ता है बाहर जाने के लिए, यही हम बोले हैं उसको। घर में जैसे पहले पूजा कर दें, कहीं गए नहीं। आज का ब्लॉग एंड करते हैं, कालिंग ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए। गुड नाइट, बाय। हम आज कुछ नहीं बोलेंगे, कल बोलेंगे। सोमा बात भी नहीं ठीक से कर पाई, अभी तो थोड़ा बहुत करे, और अभी थोड़ा सा ठीक से खाई।
काल पेटा के दवा लगे तो डॉक्टर बोले दवा ठीक है लेकिन थोड़ा मतलब लेट से शायद काम करेगा ना क्या पता नहीं, फिर दिया ढेर दवा दिया, एक मिनट रुक दिया, कितना दवा लगे, दवा लाई है नहीं वही है। आप लोग से तो बाय करनी है लेकिन दवा दिखाने देखिए, ये शायद काले दवा दिए थे डॉक्टर ठीक है, ये दवा सब काल दिए थे लेकिन दवा काम किया लेकिन थोड़ा बहुत नहीं के बराबर, रुके एक मिनट घुसा देते क्योंकि मिल जाएगा इस दवा उस दवा और ये वाला दिए खाली अभी थोड़ा देर पहले, फिर ये वाला दिए हैं, फिर यही वाला घोल के पानी गिलास में पीने दिए एक गो खाई तब जाके ठीक लगा, आज भी बहुत दवा दे दिए हैं ठीक है खा लेगी तो अभी कुछ दिन के लिए शरीर उसका ठीक हो जाएगा। हम अभी जा रहे हैं डिनर करेंगे, बाय।